दिल्ली में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर सभी किसान संगठनों द्वारा एकत्रित होकर हजारों ट्रैक्टरों के साथ रैली निकालने का निर्णय लिया गया है। इसी को लेकर सभी किसानों को जागरूक करने के लिए किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एक महापंचायत आयोजित की। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर हजारों किसान दिल्ली सीमा पर डटे हुए हैं। दिल्ली में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर सभी किसान संगठनों को एकत्रित होकर किसानों ने हजारों ट्रैक्टरों के साथ रैली निकालने का निर्णय लिया है। इसको लेकर किसान संगठन के लोग किसानों को जागरूक कर रहे हैं, जिसके तहत आज भारतीय किसान यूनियन टिकेत ने एक जन जागरण अभियान चलाया, जिसमें वक्ताओं ने कृषि कानून से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। आज कई लोगों ने किसान संगठन द्वारा एकत्रित होकर आज गांव ट्रकपुरा में महापंचायत की गई, जिसकी अध्यक्षता चंदन सिंह ने की एवं संचालन हरिओम सिंह ने किया। किसान महापंचायत में मौजूद किसान नेता श्याम सिंह चाहर, सोमवीर यादव, राजबीर लवानिया, मुकेश पाठक, शिव प्रसाद शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। ये मानवर पूरा देश जब कोरोना महामारी से पूरा विश्व ही पीड़ित था, हमारे देश के महामहिम उससे भी उपाधि ऊपर दे दी जाए वो भी कम है। देश के प्रधानमंत्री ने एक चोर रास्ते से 3 विधेयकों को ला करके किसानों के ऊपर थोप दिया, और देशों में तो थोपा नहीं गया। वो ऐसा कानून है कि उससे किसान न तो जिंदा रहेगा न मरेगा, वो गुलाम बन जाएगा। जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो पहले एक कंपनी आई थी तो उससे पूरा देश गुलाम हो गया था। आज वही स्थिति फिर आ गई। आज 55-56 दिन हो गए किसान प्रधानमंत्री महोदय की दरवाजे पर पड़ा है, क्यों नहीं उनके मन की बात सुन लेते हैं? पूरे देश के किसानों को अपनी मन की बात तो सुना देते हैं। क्या किसान इतने दुश्मन हो चुके हैं आपके लिए, उनकी मन की बात नहीं सुनी जा रही? इनकी भी मन की बात सुननी होगी। दूसरा, ये हमारे साथियों ने कुछ फैसला भी कर लिया है कि जो एनटीपीसी का प्रकरण था, हमने डीएम महोदय से कुछ दिन पहले मिले थे, उसमें आश्वासन दिया गया था कि जमीन चिन्हित की जा रही है, उसमें सोलर प्लांट लगा दिया जाएगा। हमने साफ शब्दों में डीएम साहब को बता दिया था कि भाई 5 साल से किसानों ने बिल नहीं भरा, गरीब जनता ने बिल नहीं भरा, इसकी व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी। हमें विकास नहीं चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए कि जिससे हमारे बच्चों का जीवन यापन हो जाए, हमें लाइट की व्यवस्था आप बनवा दो। उन्होंने 2 दिन में, शायद हो सकता है कल भी बैठक हो जाए या परसों भी बैठक हो जाए, जल्दी ही अधिकारियों के साथ बैठक होगी। अब हम तो ये चाहते हैं कि आगरा जनपद के किसान, अगर जिनमें हिम्मत होगी तो ये रोड पर ट्रैक्टर रैली करेंगे। भाई दिल्ली की लड़ाई से तो हम बहुत खुश हैं, आगरा में भी तो होनी चाहिए या दिल्ली में चले जाए भीड़ बढ़ाने, पहले आगरा में हो, उसकी शुरुआत आगरा से होकर के फिर दिल्ली की तरफ जाए, उससे हम खुश हैं। अनंता साहब, हम दिल्ली नहीं जाएंगे, अगर दिल्ली जाना है भीड़ बढ़ाने के लिए जाओ, हम तो नहीं जा रहे। नेताजी, किसानों का कहना है कि 26 तारीख को एक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, किस तरीके से? 26 जनवरी को हमारे आगरा के समस्त किसानों का भारी संख्या में ट्रैक्टरों के माध्यम से रैली चलेगा रोडों पर, और देश का जो तिरंगा झंडा है वो लगा हुआ होगा, और किसान जब तक तीन काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे तब तक मानने वाला नहीं है, घर बैठने वाला नहीं है। किसान ऐसे आंदोलन, श्री लाल तोमर, उत्तर प्रदेश किसान सभा का जिला अध्यक्ष। जिस तरीके से किसानों का उत्पीड़न कर रही है सरकार, क्या कहना चाहिए? जिस तरह से सरकार जो उत्पीड़न कर रही है, उसमें सरकार की जो हठधर्मिता है, उसके लिए हम किसान जन संगठनों को इकट्ठा करके हम इस लड़ाई को मतलब अंजाम तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार जो है दमनात्मक रवैया अपना रही है। लेके आई वो सही लेके आई है सरकार, जो भी 3 कानून जो लेके आई है वो किसान के लिए आत्मघाती साबित होंगे। वो अभी किसान को गाँव में जाकर इसी वजह से जागृत कर रहे हैं, उसकी चेतना का स्तर बढ़ा रहे हैं कि ये कानून है जो हमारे आत्मघाती साबित हो जाएंगे, हमारी जो नस्लें हैं, आने वाली नस्लें हैं, तबाह हो जाएंगी। ये कानून